जश्न जलाई कलान का, जश्न जलाई कलान का मकसद यही है कि डिस्ट्रिक्ट शोपियां के नॉर्मली यहाँ पर एक पूरे साल का जो एटमॉस्फेयर रहता है उतना एक्साइटिंग नहीं रहता, थोड़ा लल्ड सा एटमॉस्फेयर विंटर में हमारे यहाँ रहता है। तो हमने हम चाहते थे कि विंटर में जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा लाइवली हो जाए, थोड़ा विंटर जो है थोड़ा वाइब्रेंट हो जाए, और इसको देखते हुए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और अगर आप देखेंगे पूरी पब्लिक पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, और ये प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी हुआ है यहाँ पर, तो उनका फुल लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी रहा है इसमें। और ओवरऑल पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, शोपियान सब ने इन कोऑर्डिनेशन इसमें काम करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि एक ग्राउंड पे जो चेंज है वो आप सबको नजर आ रहा होगा कि जो चीजें कुछ साल पहले पॉसिबल नहीं थी, बट इन व्यू ऑफ द इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोज थिंग्स आर पॉसिबल नाउ। सो वो पॉसिबिलिटी आपको एक तो सिर्फ कागजों में नजर नहीं आ रही है या स्पीचेस में नजर नहीं आ रही, आई थिंक वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली भी हमें नजर आ रही है कि इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पीस है, और जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है वो चल रहा है। और उसके पैरेलल में जो ये प्रोग्राम्स हैं जिससे पब्लिक का मोरल हाई रहता है, जिसमें जो विंटर की वाइब्रेंसी है वो रिफ्लेक्ट होके सामने आती है, आई थिंक वो भी आपके सामने मौजूद।